जैसे कि आप जानते हैं कि फतेह सागर सूखा पड़ गया था, तो उसकी वजह से मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि मेरे को लॉन्ग डिस्टेंस चाहिए था स्विमिंग करने के लिए। तो फिर सर वॉज वेरी आई एम वेरी ग्रेटफुल टू सर कि उन्होंने अपना खुला मिल लिया और मेरे को विंटर्स में प्रैक्टिस करने के लिए। मैं शाम को पार करते हुए शुरू में मेरे को नाइट में थोड़ी डिफिकल्टी आई, जब मेरे को बीच से स्टार्ट करना था तो मेरे को बोट से जंप करवाया एकदम रात को पिच डार्कनेस में, और फिर वहाँ के इंग्लैंड के बैंक बीचेस से मैंने स्टार्ट किया, तो वहाँ शुरू में मैंने अपना पैर मोड़ दिया, तो उसकी वजह से थोड़ी डिफ़िकल्टी आई, पर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था क्योंकि पानी बहुत साफ था इंग्लिश चैनल का, और बीच में मैंने फीड थोड़ी ज़्यादा ले ली थी, तो उसके कारण मेरे को स्टमक में वॉमिटिंग, फ्लोटिंग, बैकिंग ऐसी चीज़ें हुई, लेकिन उसके बाद मैंने उसे ओवरकम किया। और आगे जब मैंने स्विम किया तो जब मैंने सिंगल शिपिंग लेन हिट किया, तो जो बड़ी शिप्स पास होती है तो उनके गुजरने से बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं, तो जो बड़ी वेव्स आती है उनके साथ ठंडा पानी आता है, क्योंकि नीचे का जो सारा ठंडा पानी होता है वो सर्फेस पे आ जाता है, तो ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। एंड स्पेशली सेकेंड हाफ में मेरे को ठंड ज़्यादा लगी क्योंकि बॉडी थक गई थी, बॉडी की बेयर करने की पावर थोड़ा कम हो गया था। अपने यहाँ का जो ठंडा पानी होता है उससे भी काफ़ी ठंडा पानी होता है, और आप तो जानते हो ठंडी अच्छी होती है, तो मोस्टली जो पीपल फेल होता है वो ठंड की वजह से फेल होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस रिसर्च के अकॉर्डिंग 40% लोग फेल हो जाते हैं स्विम करते हुए। स्कूल ने मेरे को बहुत हेल्प किया है, जब मैं जब स्टेज पे जाती थी, जब मेरे एग्ज़ाम्स वापस लिए, विंटर्स में मेरे लिए सेपरेटली पूल चालू किया एक स्टूडेंट के लिए, टीचर्स हमेशा बहुत सपोर्टिव रहे हैं, संजय दरवाजा सर, राजेश सर, उन्होंने मेरे को आई थिंक पिछले 3 सालों से जब मैं इंग्लिश चैनल की ट्रेनिंग स्टार्ट की तब से मेरे को बहुत सपोर्ट किया। छात्र हैं वो शुरू से ही यूपीएस के एक छात्र रहे थे, और उसमें एक जज्बा था कुछ मुकाम हासिल करने का, वो अपने आप में ही बहुत अच्छे एग्जीबिशन है, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और जब वो क्लास 6वीं में थी तब से उसको ये जुनून था कि मुझे स्विमिंग के फील्ड में कुछ करना है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब उसने गोल्ड मेडल लिए, स्टेट लेवल पर गोल्ड मेडल लिए, नेशनल लेवल के जो प्राइजेस लिए उसने, उसमें उन प्राइजेस को, उस अचीवमेंट्स को आने के बाद मन में ये भाव आया कि मेरा मुकाम केवल यहीं तक नहीं होगा, तो गोरबी ने आगे एक दृढ़ निश्चय किया कि मुझे अपनी इस यात्रा में आगे और चलना है। तो मैं चाहूँगा कि गोरबी के पेरेंट्स ने जिनको सपोर्ट किया है, सभी बाकी सभी मेम्बर्स जिन्होंने गोरबी को सपोर्ट किया, बहुत अप्रिशिएशन के लायक हैं। स्कूल का हमेशा सपोर्ट रहा गोरबी को, उसके एकेडमिक पार्ट में भी, स्पोर्ट्स के पार्ट में भी, स्विमिंग पूल की रिक्वायरमेंट होगी उसमें भी, और एज अ मोटिवेशन हमारी ब्लेसिंग हमेशा गोरबी के साथ रही है, एज अ सभी टीचर्स उसको जो पढ़ाते रहे हैं उनकी हमेशा ब्लेसिंग रही है गोरबी के साथ, कि वो अपनी ज़िंदगी में सबसे अच्छा सबसे ऊँचा मुकाम हासिल करें, और उसी आशीर्वाद को